हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ मैक्स प्रो एम1 में जेन यू आई, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9 यानी पाई। तो इसे आज फ्लैश करने वाला हूँ और मैं अभी फिलहाल हूँ आयन ओएस में, जो कि एक एंड्रॉयड 9.0 पाई बेस्ड रॉम है। सबसे पहले हमें बूट करना है रिकवरी में। बूट करने के बाद वाइप करना पड़ेगा और जिस तरह इंस्ट्रक्शन दिया है वेबसाइट पर, मैं सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। तो डेटा वाइप करने के लिए बोला गया है सबको, ठीक है। डेटा वाइप किया। डेटा वाइप करने के बाद इंस्टॉल ज़िप फाइल। चलिए, ओके गाइस, बूट करता हूं। हे गाइस, ये है ZenUI PIE 5.0 पाई बेस्ड कस्टम रोम, जिसमें आपको मिलेगा मेगा सिक्योरिटी पैच, एंड्रॉयड वर्जन 9.0 और एक नया एक्सपीरियंस। ये है बोरेट्स रोम सेटिंग्स, जिसमें आपको नेटवर्क ट्रैफिक, नो रूट वाले ऑप्शन में क्विक सेटिंग्स, कॉलम्स एंड रोज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड रूट एक्सेस वाले सेटिंग्स में आप गूगल पे पैच का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको रूट मेथड में जाना पड़ेगा। ये रोम ऑलरेडी रूटेड है, आपको बस मैजिक मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स में। यहाँ पेज मेकर, ट्विन एप्स, गेम जेनी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, गेम जेनी कैसे इंस्टॉल किया जाए मैक्स प्रो M1 में। तो गेम जेनी मिलेगा आपको, AI फीचर्स, किड्स मोड, इजी मोड, स्क्रीनशॉट, जेन मोशन, वन हैंड मोड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ट्राई करना बाकी है। ये मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, आपको बस इसका फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको अडैप्टिव ब्राइटनेस मिलता है, ऐप स्केलिंग, डिस्प्ले साइज, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आपको 3 फॉन्ट्स मिलते हैं, LED इंडिकेटर, न्यू नोटिफिकेशन, स्क्रीन कलर, एंड गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉलपेपर स्लाइड शो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड लोकेशन सेटिंग्स में। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, वॉलपेपर स्लाइड शो, वेदर एनिमेशन। मैं आपको फेस अनलॉक दिखाता हूँ, जो कि मुझे बहुत क्विक लगा। फेस अनलॉक क्विक है लेकिन फिंगरप्रिंट स्लो लगा मुझे, काफ़ी स्लो है। ये आपने देखा, लगभग 2-3 सेकंड लग जाता है अनलॉक होने में। है एक्यूरेट बट स्लो है, तो फेस अनलॉक से आपको काम चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत क्विक है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉलपेपर स्लाइड शो। आप अपने गैलरी से भी अपने फेवरेट जो शॉट्स आपने लिया है उसको भी सेट कर सकते हो। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभी कवर करना बाकी है, मैंने चेक नहीं किया है। जियो का सिम डालकर मैंने देखा है, कॉल आप कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग का मुझे ऑप्शन नहीं दिखा, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल बता दूंगा। ये है कैमरा का इंटरफेस भी आप देख लीजिए, ये अलग नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस रोम के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको 2-3 दिनों में इसका रिव्यू कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, इसे लाइक एंड शेयर करके वीडियो का सपोर्ट कीजिए, एंड गाइस देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।